किनेमास्टर ऑडियो टिप्स एंड ट्रिक्स। सब्सक्राइब करें सुल्तान सिंह यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। यूट्यूब चैनल सुल्तान सिंह पर आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं किनेमास्टर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऑडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, अर्थात A2Z ऑडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स विद किनेमास्टर। आज का वीडियो उन कमेंट्स को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें VLC मीडिया प्लेयर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ लोगों को PC पर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ऐसे साथी अपने मोबाइल पर साथ में अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करके इस सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं, यह भी इसमें बताया जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में किनेमास्टर के वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए जानते हैं किनेमास्टर ऑडियो टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके लिए हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे किनेमास्टर। किनेमास्टर प्रो वीडियो एडिटर, ये किनेमास्टर प्रो वीडियो एडिटर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। हम किनेमास्टर वीडियो एडिटर ऐप को ओपन कर लेते हैं। बड़े गोले में प्लस चिन्ह को क्लिक करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो चुनेंगे, यूट्यूब के लिए 16:9। अब इसमें राइट साइड में आप देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर राइट कॉर्नर में जो चिन्ह है वह सेव करने के लिए है, प्रोजेक्ट सेव करने के लिए। और उसके नीचे मीडिया गोले के अंदर चारों तरफ ऊपर मीडिया, नीचे वॉइस, लेफ्ट साइड में लेयर, राइट साइड में ऑडियो। वीडियो ऐड करने के लिए पहले मीडिया पर क्लिक करेंगे। अब ये गैलरी खुल गई है हमारी, तो गैलरी में से जो भी वीडियो आपको चुनना हो वो वीडियो आप इसमें से ले सकते हैं। जैसे मैं कैमरे को क्लिक करता हूँ तो कैमरे के ये जो वीडियो है, फोटो है, जो भी है, ये आप ले सकते हो। अब इसे मैं ये वीडियो क्लिक कर लेता हूँ, छोटा सा क्लिप है, या ये ले लेता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये काफ़ी बड़ी क्लिप है, इसमें से मैं एक छोटी सी क्लिप ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। इसको डिलीट कर देते हैं। जो वीडियो डिलीट करना हो उसको क्लिक करके और लेफ्ट साइड में जो डिलीट का चिन्ह है उसको क्लिक करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हम छोटी सी क्लिप रख लेते हैं 20 सेकंड की, इसको यहाँ से क्लिक करके और ये कैंची का निशान है इसको क्लिक करते हैं और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ये राइट साइड का हमने हटा दिया और ओके कर देंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो में जो ऑडियो है, देखिए मैं क्लिक करके इसको चलाता हूँ प्ले करके। दोस्तों मैं सुल्तान सिंह अपनी YouTube चैनल जीवन जियो पर आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो चल रहा है। आज का वीडियो लीक से हटकर है। आज का ट्यूटोरियल ऑडियो एडिट करने के लिए है। अगले वीडियो में मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें हम ऑडियो की बात करेंगे, इसमें वीडियो को क्लिक करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हमने। और इस क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए लाउड स्पीकर का जो चिन्ह है राइट के निशान के नीचे, इसको क्लिक करेंगे। इसमें देखिए ये छोटा जो लाउड स्पीकर का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो का जो ऑडियो है वो बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये म्यूट हो गया। इसको वापस ऑडियो को लाने के लिए इसको क्लिक करेंगे और लाउड स्पीकर को क्लिक करेंगे और इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये म्यूट नहीं रहा। अब हमें ऑडियो ऐड करने के लिए इस ऑडियो पे क्लिक करेंगे राइट साइड के, और जो भी ऑडियो हमें इसके साथ जोड़ना हो, जैसे सॉन्ग्स में से कोई ऑडियो फाइल हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऑडियो WA0018, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। किनेमास्टर ओपन करने के बाद देखिए
यह चल रहा है, अगर इसको ऐड करना हो तो प्लीज को क्लिक कीजिए। ऑडियो ऐड हो गया है। दो भागों में बांटना ऑडियो को, तो ऑडियो को क्लिक करेंगे, ऑडियो को सेलेक्ट करके ऑडियो क्लिप को, और ये राइट साइड में देखिए नीचे नीचे ट्रिम ऑब्लिक स्प्लिट है, कैंची का निशान है ट्रिम ऑब्लिक स्प्लिट, इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ से काटना है वहाँ पर लेकर इसको क्लिक करेंगे हम। फिर भी अगर गलत हो गया तो इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। अब इसको ये प्ले हेड से काटना है, स्प्लिट करना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए नीचे नीचे स्प्लिट हेड प्ले हेड, ये देखिए ये कट गया है, इसको ओके कर दीजिए। ये दो भागों में बंट गया है ऑडियो, दो टुकड़े हो गए, स्प्लिट हो गया है। इसको वापस अगर आपको जोड़ना है तो देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर बैक जाने का निशान है, वापस बैक कर दीजिए। यह वापस जुड़ गया हमारा, जो पिछला एक्शन है वो कैंसिल हो गया है। ऑडियो क्लिप पे सेलेक्ट करके और लाउड स्पीकर पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका अगर आवाज़ बढ़ानी है तो इससे 100% पे है, इसको बढ़ा के ऊपर कर सकते हैं हम जितना चाहिए, 200% तक हो सकता है एक साथ, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, तो जितना करना हो उस पर कर दीजिए। इस तरह ऑडियो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं वॉइस को। और अगर कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं हम इस तरह से तो ये आवाज़ भारी और गूंजदार हो जाएगी और स्वतः ही आवाज़ बढ़ जाएगी, और इसको ओके कर देते हैं सेलेक्ट। अब देखिए ये जो हमारी आवाज़ है, करने के बाद सुल्तान सिंह अपने इंटरफेस में आपके सेव्ड प्रोजेक्ट ये दिखाएगा। देखिए एक तो आवाज़ चल रही है वीडियो की और दूसरी आवाज़ हमने यहाँ जो नीचे जोड़ी है ये आ गई, ये आवाज़ ज़्यादा है तो ये आवाज़ हमें ज़्यादा सुन रही है जिसको नीचे वाली को हमने बढ़ाया है। इस तरह से वीडियो के ऑडियो को हम बढ़ा घटा सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट के ऑडियो के हिस्से को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे इसको ओके किया सेलेक्ट करके और हम ट्रिम पे क्लिक किया और अब देखिए ऊपर ही ऊपर है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड और नीचे है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। तो मान लीजिए राइट साइड का हमें हटाना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड को दबाया और राइट साइड का वीडियो डिलीट हो गया। अब इतना ही ऑडियो बचा है, ऑडियो को डिलीट करना हो तो ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट करके सीधा डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इस एक्शन को रिवर्स करना हो तो ये ऊपर लेफ्ट साइड में जो है बैक करने का, इससे वापस ला सकते हैं और इससे पीछे वाला भी बैक कर सकते हैं। इसको दोबारा एक क्लिक करेंगे तो पहले वाला आ जाएगा और पीछे का एक्शन लाना है तो और एक बार बैक करेंगे। इस तरह से जो भी हमें करना है हम पीछे वापस जितने एक्शन किए हैं उनको सबको वापस हम ला सकते हैं। काइनमास्टर वीडियो एडिटर में हमें काफ़ी सारे ऑडियो क्लिप्स मिल जाते हैं, उसमें से काफ़ी सारे फ्री हैं, कुछ प्रीमियम भी हैं, तो हम फ्री क्लिप्स को इसमें काम ले सकते हैं। ऑडियो पर क्लिक करके ऑडियो ब्राउज़र खोलें और म्यूजिक एसेट्स पर क्लिक करके, और काफ़ी सारे फ्री म्यूजिक एसेट्स हैं काइनमास्टर में, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर मन चाहे इनको काम ले सकते हैं। काइनमास्टर में आपको साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं काफ़ी सारे, SFX एसेट्स पर क्लिक करके आप साउंड इफ़ेक्ट्स भी काम में ले सकते हैं। इनमें कुछ फ्री हैं और कुछ इसमें भी प्रीमियम हैं, तो आप अपनी समझ से उनको फ्री एसेट्स को काम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहें वीडियो के साथ तो ये वॉइस का जो निशान है माइक का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जब रिकॉर्ड करना हो उस समय स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिप चालू हो जाएगी, स्टार्ट को क्लिक करते ही आवाज़ रिकॉर्ड करने लग जाएगा। ये मेरी आवाज़ अब रिकॉर्ड हो रही है, और जब स्टॉप करना हो इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। यह हुआ A2Z ऑडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स विद काइनमास्टर। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। जिन साथियों का VLC मीडिया प्लेयर में रिकॉर्डिंग के समय ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है PC पर, वो लोग अपने मोबाइल पर अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं साथ ही साथ, और उस मोबाइल की ऑडियो क्लिप को आप वीडियो के साथ जोड़कर इस सॉफ्टवेयर में
ऐड कर सकते हैं और आवाज़ घटा बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो मैंने आज बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लें ताकि आपको इस तरह के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।